हाय फ्रेंड्स, नूरी एकेडमी के प्रोग्राम मालेगांव न्यूज़पेपर एनालिसिस में आज आपका इस्तकबाल किया जाता है। आज हम 5 फरवरी 2019 को जो मालेगांव से अखबारात शाये हुए हैं उसका एनालिसिस आपके सामने पेश करेंगे। हमारी पहली रिपोर्ट है मालेगांव बम ब्लास्ट के हवाले से। देन 10% रिजर्वेशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाने का कदम उठाया है, उसके हवाले से कुछ मालूमात देखेंगे। मालेगांव में 27,551 स्ट्रीट लाइट जलते हैं, जिसका तखमीना हर महीने 50 लाख रुपया खर्च आता है, उसके हवाले से कुछ बातें हम देखेंगे। एक न्यूज़ हमने पेश की थी जो मालेगांव में गैर कानूनी नल कनेक्शन है, उसके हवाले से आज कुछ जगहों पर कमिश्नर ने अपनी टीम के साथ विज़िट की और तकरीबन 1 लाख रुपए के करीब अमाउंट को यकजा किया। अमृत योजना पाइपलाइन के ज़रिए मालेगांव में जो पाइपलाइन बिछाई गई थी वो लीक हो रही है, उसके हवाले से कुछ बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही जुलाई 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट का CTET एग्ज़ाम होने वाला है, उसके हवाले से कुछ ज़रूरी बातों को हम आज के इस एपिसोड में आपके सामने पेश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस का पहला आर्टिकल। मालेगांव में 2006 और 2008 में बम ब्लास्ट हुए थे। 2008 के बम ब्लास्ट केस में आज 26वें गवाह की NIA अदालत में गवाही मुकम्मल हुई। वाज़ेह रहे कि 9 सितंबर 2018 को भिक्कू चौक में ये बम ब्लास्ट हुआ था। इससे कबल भी डॉक्टर सईद फारानी और डॉक्टर सईद फैज़ी के अलावा और भी कई डॉक्टर्स ने और कई हजरात ने अपनी गवाही को मुकम्मल किया था, जिसकी पैरवी कर रहे एडवोकेट शाहिद नदीम और एडवोकेट अफजल नवाज़। इसी असना में 2006 के बॉम्ब ब्लास्ट केस में जो 9 मुस्लिम नौजवानों को रिहा किया गया है, उसके खिलाफ एक अर्जदाश्त दाखिल की गई है, जिसे 3 रुकनी बेंच ने जिस पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। इस केस में एडवोकेट हफीज़, एडवोकेट शाजिया और अदीबा अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। रियासत महाराष्ट्र में 1 फरवरी से सबके लिए 10% रिजर्वेशन लागू करने की बात की जा रही है। जैसा कि आप हजरात जानते ही होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने माली बहरान रखने वाले तमाम ही अफराद को 10% रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया था। इसी बिना पर रियासत महाराष्ट्र ने भी ये कदम उठाया है और इस बिल को मंजूर करवाने की कोशिश की जा रही है कि 10% रिजर्वेशन महाराष्ट्र में भी माशी बहरान रखने वाले अफराद को दिया जाएगा। एक जानिब सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी जानिब स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के मिलाप से इस बिल को पास होने में ज़्यादा वक्त दरकार नहीं होगा और रियासत महाराष्ट्र में मुमकिन है बहुत हद तक ये कानून नाफिज हो जाए, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसके हवाले से क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आता है। इसी के साथ एक न्यूज़ ये शाये की गई है कि शहर मालेगांव में जो 4 वार्ड कमेटियां हैं, उन वार्ड कमेटियों में 27,551 स्ट्रीट लाइट जलते हैं, जिनका महीने का जो बिल आता है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा आता है। इसलिए रियासत महाराष्ट्र ने ये कन्वेंस किया है कि आप मालेगांव में LED लाइट लगाएं, लेकिन इसके हवाले से कॉरपोरेशन के जिम्मेदारान का ये कहना है कि जो वाट बताया जा रहा है LED लाइट का वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से शहर में रोशनी कम हो जाएगी, इसलिए 90 या 120 वाट का वो लाइट होना चाहिए। इस तरह से उसका जो खर्च 50 लाख रुपया महाना निकल कर आता है LED लाइट लगाने की वजह से मुमकिन है कुछ कम हो जाए। अब देखते हैं इस स्कीम का क्या होता है। अगर आपके इलाके में लाइट स्ट्रीट लाइट नहीं है तो आप उसके हवाले से क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, अपने कॉर्पोरेटर से मिलकर अपने इलाके को रोशन करने की कोशिश करें। पबजी गेम के हवाले से एक न्यूज़ हमने 2 रोज़ पहले आपके सामने बताई थी कि 11 साल के लड़के ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था। वाज़ेह रहे कि गुजरात में पबजी गेम पर पाबंदी लगा दी गई है। अब ये लड़का पहुंच गया है हाईकोर्ट में और उसने गुहार लगाई है
किस गेम के खेलने से वक्त के इसराब के साथ साथ एक आतंकी टेंडेंसी गेम खेलने वालों में बन रही है। मार धाड़ करना, झगड़ा फसाद करना, गोलियों से भून करना, हथियारों से रगबत पैदा करना और अपने टास्कों को हासिल करने के लिए, अपने टारगेट को पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाना, ये ऐसी ज़हनियत निकल कर सामने आ रही है, इसलिए उसको बंद कर देना चाहिए। वाज़ह रहे कि पबजी गेम 2017 में लॉन्च किया गया था और रफ्तार रफ्तार उसकी मकबूलियत में बेहद इजाफा हुआ है, लेकिन अब मुख्तलिफ रियासतों में उस पर पाबंदी लगाने की बातें निकल कर सामने आ रही है। गैरकानूनी नल कनेक्शन की जो खबरें अखबारात में शाये हुई थी, जिसे हमने कवर किया था, 4 फरवरी को एक दस्ता निकल कर सामने आया और शहर भर में 14 ऐसे नल कनेक्शन को रेगुलाइज किया गया जो कि गैर कानूनी तौर पर जारी थे और उसके ज़रिए से 1,05,320 रुपया जमा किया गया है। अब भी बहुत सारे नल कनेक्शन शहर में ऐसे जारी है जो कि गैर कानूनी है, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि उसे रेगुलाइज करने का जो भी प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर के ज़रिए से आप अपने आप को महफूज करवाने की कोशिश करें, वरना महकमा आबरिसानी ने पहले ही तंबीह कर दी है कि ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर किया जाएगा, पानी चोरी का मुकदमा उनके ऊपर लगाया जाएगा। मोबाइल में कुछ लोगों को सोशल वेबसाइट्स के ज़रिए से, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, और इन सोशल साइट्स के ज़रिए से इस तरह की लिंक आ रही है जिसमें बताया ये जा रहा है कि आपके दोस्त ने आपको 1,000 रुपये का तोहफा दिया है और बहुत सारे लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं। वाज़े हो कि एक धोखा है, एक फ्रॉड है। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके फ़ोन में जो कुछ भी डेटा होता है, अक्सर लोग बैंक अकाउंट नंबर, डेबिट कार्ड का पासवर्ड वगैरह सब अपने मोबाइल में महफूज रखते हैं और इस तरह से आपके मोबाइल का पूरा डेटा सामने वाले थर्ड पार्टी को चला जाता है और फिर 1,000 रुपये आपको मिलने के बजाय आप ही के अकाउंट से बहुत सारा पैसा निकल जाता है। इसलिए गुजारिश की गई कि जिस किसी को भी ऐसा मैसेज आता है तो उसे डिलीट कर दे, उस पर क्लिक करने की कोशिश ना करें। एक न्यूज़ ये है कि जो अमृत योजना के तहत शहर मालेगांव में पानी को पहुंचाने की, घर घर पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी और जिस पाइपलाइन का इस्तेमाल उसमें किया गया था, उस पाइपलाइन की जो गारंटी है वो 100 साल तक की गारंटी है, मगर मालेगांव में जगह जगह पाइप लीक हो रहे हैं और शहर में गंदा पानी आने की शिकायतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप खुद अपने इलाकों में देख सकते हैं, अपने मोहल्लों में देख सकते हैं कि जब नल आता है तो स्टार्ट का जो 5-10 मिनट का अरसा होता है वो गंदा पानी ही उसमें आता है, बदबूदार पानी आता है। यहाँ पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि जिस पाइप की गारंटी 100 साल की थी वो इतना खस्ताहाल कैसे हो गया है कि जगह जगह से लीक हो रहा है। या तो ये राफेल घोटाले के बाद अमृत योजना हिंदुस्तान का दूसरा बड़ा घोटाला है, या फिर ये बात निकल कर सामने आ रही है कि जो पाइप अमृत योजना में यूज़ होता है मालेगांव में वो पाइप यूज़ नहीं हुआ है। अब देखते हैं अखबारात के नुमाइंदे किस तरह तहकीक करते हैं, किस तरह तफ्तीश करते हैं और इस छुपे हुए राज को पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश करते हैं या उससे क्या खातिरख्वाह नतीजा बरामद होता है। आइए, चूँकि हम पहले ही दिन से बात बता रहे हैं कि एजुकेशन, हेल्थ और अवेयरनेस, ये हमारा 3 टारगेट है आपको इन्फॉर्म करने का, तो CTET जुलाई 2019 का नोटिफिकेशन आ चुका है। 5 फरवरी 2019 से लेकर 5 मार्च 2019 तक के आप CTET की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। 5 मार्च के बाद आपका फॉर्म नहीं फिल किया जाएगा। एग्ज़ाम 7 जुलाई 2019 को मुख्तलिफ सेंटर्स पर होने वाला है। इस इम्तिहान के हवाले से मुकम्मल मालूमात हमने नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। आप इस वीडियो को सुनने के बाद फौरी तौर पर हमारे एग्ज़ाम सेक्शन में जाकर इसकी मुकम्मल मालूमात को हासिल कर सकते हैं। हेलमेट की न्यूज़ भी गर्दिश कर रही थी, आपने सुना ही होगा, उसके हवाले से एक अहम न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि धुलिया ज़िला SP विश्वास पांडे है, उन्होंने 15 पुलिस वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है और उन्हें हेलमेट ना पहनने पर इस कार्रवाई से गुजरना पड़ा है। अब भी शहर के बहुत सारे अफराद हेलमेट नहीं पहनकर कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि ज़िला नासिक में हेलमेट को
लागू कर दिया गया है। इसलिए जिन अहबाब ने अब तक के हेलमेट की पाबंदी को इख्तियार करना शुरू नहीं किया है वो हेलमेट की पाबंदी करना शुरू कर दें। 500,000 रुपये के हेलमेट है लेकिन आपकी जान की सेफ्टी हो जाएगी, आप हादसों से महफूज हो जाओगे, गर्द गुबार से महफूज हो जाओगे। इसलिए इस पर तवज्जो देने की आप लोग ज़रूर कोशिश करें। मिलते हैं कल के दिन नए न्यूज़ एनालिसिस के साथ। खुदा हाफिज़।